फास्टेस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स अल्लू अर्जुन का था 69 मिनट्स का, हमारा 43 मिनट्स का। क्या बात है। और फास्टेस्ट 1 मिलियन लाइक्स का भी हमने इंस्टाग्राम पे रिकॉर्ड। दोस्तों देखते हैं एलविस यादव का जो नया ब्लॉग आया हुआ है, जो बिग बॉस ओटीटी का विनर है, जो बनने के बाद में कैसे अपना ब्लॉग में बातें कर रहे हैं, किस हिसाब से अपना फैंस को बता रहे हैं, वही वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं। आई होप, उम्मीद करते हैं कि उनके टीम की तरफ से इस वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, आप लोगों का भी बहुत मज़ा आने वाला है यार, सच में यार, एलविस यादव का दिल बहुत ही बड़ा है। स्टार्ट करते हैं ना, तुम्हारे हाथ दोबारा सौंप रहा हूँ मैं, दे दे यार, ठीक है ना। चलो बताओ इंस्टाग्राम पर कितने हो गए होंगे, अरे पता लग गया इसको ले भाई सौंप। कितने टाइम बाद मैंने अपना व्लॉग चैनल, अपना व्लॉग अपने हाथ में उठाया, व्लॉग चैनल भाई हमने तो सौंप दिया, अच्छे डालते हो यार। मेरा तलवार वापस ही, तलवार इसकी भाई, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से। सुबह 5:36 पे, 5:36 में भाई बोला हुआ मेरा मोबाइल आया हुआ उनके हाथ में, ये हमारे टाइगर टाइगर जिंदा है, ये हमारी माता श्री जो पतली हो गई है बहुत ज्यादा, अब तो नहीं लग रहे आप पतले, अब तो आप वैसे ही लग रहे हो। ये हमारे विनय भाई जो उनका पूरा टीम है, कोऑर्डिनेटर हैं बहुत बड़े, और हमारे कटारिया जी जिन्होंने बहुत पीछे से फुल सपोर्ट, पूरा धक्का लगाया, और ऊपर एक मंजिल पे, कौन सी मंजिल पे है वे सारे, 26 किसी बड़ी मंजिल पे है, वहाँ पे पूरा मेरा ग्रुप बैठा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मेरी बैकबोन बैठी है ऊपर, बहुत सारे मेरे भाई बैठे हैं, और बहुत पसंद आ रहा है। सबको शुक्रिया करने से पहले, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव वजीराबाद, पूरा मेरा प्रदेश हरियाणा, एक तरीके से पूरा हमारा इंडिया, और हमारी 36 बिरादरी को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ना होते तो मैं नहीं होता इस मुकाम पे जो आज मैं बिग बॉस की ट्रॉफी में दिखाता आप लोगों को। ऊपर सबसे बड़ा कौन सा है, फैंस चाहने वाले हैं तहे दिल से, खासकर मेरे गांव जिनका नाम मैं अब लग रहा कि रोशन कर रहा हूं, करा मैंने रोशन बिल्कुल बिल्कुल भाई, गांव में दिवाली बन गई यार तू, अब बिल्कुल भाई जैसे सूचना आ रही है कि गांव में पीछे अभी आज रात के मेरी जीत का जश्न मना रहे हैं, तो मैंने यूनिटी बहुत टाइम बाद देखी, बट होगी, बट एकदम से वापस पूरा, जब कुछ भी किसी पे मुसीबत या फिर किसी की जरूरत पड़ती है तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, वो मैंने देखा, तो देश प्रदेश सारे जने इकट्ठे हो गए, और मैं तो ये देख रहा हूँ कई भाई अपने हाथों पर टैटू बनवा रहे हैं, कई जने अलग गाड़ियों पे पोस्टर पोस्टर गाड़ी, मेरी बात वो जो 1000 गाड़ी वाली वो बात कितनी सीरियसली ली जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, ये गाड़ी वाले बात कर रहे हैं, अगर आप लोग पूरा एपिसोड देखोगे तो आपको पता होगा, मालूम बिल्कुल भी इनफ नहीं है, जितना भी बोलूं उतना कम है, बट थैंक यू जो इतना प्यार थैंक यू भाई, एक तरफा जीत दिला दी, वाइल्ड कार्ड को इतना तुमने वो समझा, वाइल्ड कार्ड को शुक्रिया, पहली बार बिग बॉस के ऐसा मेरे पापा पूरे सीजन में ऐसा हुआ है, मिले कैसा लगा आपको, वहां पे आती पहली चीज की मैंने तो जी दिल है कि मानते नहीं भाग के देखी थी करते वो भी खुश हो गई वो मेरे साथ, आज कल भी कही उसने, कल था आज, हाँ कल अपने पापा से, बट इन्होंने मेरी फिल्म जो है ना, मैं चाहती थी आपसे मिले ही, आप दोनों बैठे, मेरा दिल खुश हो गया, इन्होंने भी कह दिया, इसके मम्मी ने कहा मेरा बेटा आपके साये में था 1 महीना, हम भी खुश थे, वास्तव में थे। आपको कैसा लगा पूजा भट्ट से मिलकर, बढ़िया। और जो मेरे भाई गुड़गांव में, दिल्ली में, मेरे होम टाउन में, मेरे गांव में मेरा वेट कर रहे हैं, कुछ दिनों के गैप के बाद मैं ज़रूर वहीं पे मिलूंगा आप लोगों को, बट अभी जो फैंस प्रोग्राम होते हैं सबर करो, इनके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग जगह इनकी, तो वो चीज़ें अटेंड करनी भी फॉर्मेलिटी है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में था, मेरा मन था कि मैं घर जाऊँ, मम्मी पापा जैसे अभी आ रहे हैं तो मेरे को कहीं और जाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, कितना 7-1 दिन लगेंगे, कितने एक दिन, हाँ भाई 5-6 दिन लगने हैं, एक हफ्ता लगा लो, एक हफ्ता, उसके बाद एक तगड़ा प्रोग्राम सभी लोगों के नाम मेरी तरफ से, अभी ऊपर जाएंगे और भाईयों से मिलवाएंगे, सबका रिएक्शन लेंगे, वैसे सब बहुत खुश थे, हम भाई की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे हमारे, मैंने देखी वीडियो, ये वाला, और ये वाला फ़ोन कौन सा मेरा, ओके तो अभी ऊपर चलेंगे भाईयों से मिलवाएंगे और फिर आगे की कार्रवाई करते शुरू। लो जी पूरा इनका टीम है, कितना टीम काम किया हुआ है,
भाई मेरे सारे भाइयों को, आप मुझे पता है तुम लोगों ने बहुत सपोर्ट करा मुझे, भाई तो अंदर भी आए हमारे और बहुत सारे हिंट्स भी देखे गए छोटे छोटे जो कि मुझे समझ गया, मैं थोड़ा कम बुद्धि निकला, वो इलेक्शन वाले बात बोले थे ना, फुल भयंकर बाहर दिन भी निकल गया। तो पहली बात तो भाई सबका बहुत शुक्रिया दिल से मेरे, तुम कैसे उदास खड़े हो, घने थक गए तुम मेरी जीत तक, खुश ना हो क्या? अरे खुश ना लग रहे तुम, वही रो रहे थे ये और ये, इतना रोए ना तेरे लिए मेरे पास, खुशी क्या, बहुत रोए, खुशी क्या रोए, खुशी क्या रोए, खुशी क्या, खुशी क्या, हमारे मास्टर जी तो पतले हो गए यार, ऐसे छोड़ गया था मैं आपको एक महीने में क्या से क्या कर दिया, कमजोर तो हो गए सबके वजह से गिर गए। पहले तो बाहर निकल के ज्यादा अच्छा लग रहा मुझे, कि बाहर की जेल थी, जेल जेल थी भाई, जेल थी बट थोड़ी बड़ी जेल थी, उसमें खाना भी था सारी चीज थी, पर थी तो जेल, नो डाउट जेल थी ना। Yes. हाथ में मोबाइल पकड़ के कैसा लग रहा है, वो तो बात सही है, मैंने पकड़ा मोबाइल, ऐसे पकड़ा मैंने कि यार ये क्या है, मतलब ये हाथ में ना पकड़ा नहीं जा रहा, मैं पहले तेज चलाता था ये, अब हो गया स्लो, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करने लगा, मैंने कि यार कुछ तो चेंज हुआ है, दो तीन दिन लगेंगे ठीक हो जाए, दो तीन दिन भूल गया होगा तू क्या रहता है, नो डार्लिंग्स नेवर हनी, बेबी का डायलॉग है, बहुत बढ़िया पार्टी हमारी, और अब 5-7 दिन तो मेरे को थोड़ा काम है, उसके बाद गुड़गांव पहुंचूंगा भाई, यार मेरे हिसाब से कल परसों की आप लोग सबर करो फैंस, तुम भी गए लोग हैं, दो दिन जाएंगे तेरी में मेरी पद्दी चढ़ के जाना। हाँ। बाकी भाई यार ने अभी मेरे को रील्स दिखाई पीछे से क्या क्या हो रहा है, रोज कितने मिलियन ट्वीट्स हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, और जितने भी लोग, मतलब इतना प्यार मैंने अपने 7 साल के करियर में नहीं देखा जितना मैंने 30 दिनों में देख लिया, बल्कि एक दिन में बाहर निकल के देख लिया कि यार ये क्या हो रहा है, तो मेरे लिए काफी अनरियल एक्सपीरियंस। और जब सलमान भाई ऐसे हाथ वाला सीन था ना जी, आप लोग देख रहे थे वो, कभी इसको उठाना कभी इसको उठाना कभी दोनों उठाना, भाई मेरे धक धक हो रही बहुत तेज, बहुत तेज धक धक हो रही, मैंने उनका हाथ पकड़वा के अपने धर दिया, मैंने कि देखा वो सीन भी देखा हमने यार, और फिर जो सलमान भाई ने जो बोला वो भी देखा हमने कि दिल दिल है, और फिर दूसरी साइड में करा करा डर है दिल में सही है सही है, पॉइंट मारा है भाई, भाई बहुत भाई, सलमान खान है ऐसे ही, सलमान खान थोड़ी है सही बात, सलमान खान है भाई साहब, मतलब पहली बार मैंने देखा, मतलब मेरा तो पहली बार था कि मैं ये सलमान खान है क्या, अब मैं सलमान के साथ साथ खड़ा हूं, तू मेरी तरफ ना देख रहा है, मैं उगाड़ रहा हूं, आप क्या पापा कह रहे थे रिलैक्स, मेरा ही हो रहा, मैं मेरी धड़कन तेज हो रही, मैंने उधर से और हाथ उठा जब आप सामने बैठा था मैं यूं कर रहा था, तो इसने यूं कर रही हूं ऐसे करके, मैं पता है क्या पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि मैं जब तुम दोनों अंदर आए, जो तुम मिलने आया, जब मैंने तेरे कान में क्या कहा था, जब मैं अभी अभी तो जो काला घोड़ा दिया मैंने आपको तब तब तो सुना ही नहीं मैंने मैंने आपको क्या कह दिया, आपने मैंने कह दिया था मैं जीत चुका है तू, अरे जीत तो चुका ही था भाई, बहुत पहले पहले चुका था भाई, जीत तू दिल भी जीतेगा और तू शो भी जीतेगा भाई, जिस दिन से अंदर गया था दिल तो जीता है सच में, मैं इनको पहले जानता नहीं था, अभी बहुत अंदर से नहीं आता है, बीजेपी सरकार कांग्रेस बोले थे पहले, अगर इलेक्शन लड़ेगा तो जीतेगा। एक चीज और, हमने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े जो कि बाहर लोगों को पता चल गया, वो मेरे लिए काफी नया था, इंस्टाग्राम पे हमने फास्टेस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स अल्लू अर्जुन का था 69 मिनट्स का, अल्लू अर्जुन का रिकॉर्ड तोड़ा है आदमी, अब बताओ भाई स्टार का जो इंडिया में एक अच्छा खासा स्टार है अल्लू अर्जुन, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया इलीस यादव, आप समझे, आप वो रिकॉर्ड भी हमने तोड़ा, काफी रिकॉर्ड तोड़े, दिल भी तोड़े, दिल भी तोड़े,
टूटे तो दो ही है लेकिन जुड़े तो बहुत ऑडियंस है। जर्नी बहुत ज्यादा मेमोरेबल और बहुत ज्यादा यादगार मेरे लिए, काफी नया एक्सपीरियंस था, काफी अनरियल की ये सब क्या होता है रियलिटी शोज में। बट एक चीज है भाई, कोई स्क्रिप्टेड नहीं, कुछ नहीं, सारा एकदम रॉ जो तुम अंदर से हो। इस शो का मतलब ये था कि अगर तुम रियल रहे तो ही जीत सकते हो, और मैं रियल रहा तो भगवान की दया से और आप लोगों की दया से मैं जीत गया। और जिसके पास भाई ऐसे पिलर्स हो वो फिर मुश्किल है उसको हराना भाई। है ये सारे मेरे नाम सही है, कई पिलर्स हो भी रहे हैं वो 25 लाख रुपया का क्या है। पर शर्म से आवे कि अब विनु सोचे तो स्टार बन गया यार, 25 लाख पर हो रहा है। हम पता है अंदर जब बैठे थे मैं, मनीषा, बेबी का और वो, तो बादशाह आया तो मैंने बेबी खाते कही कि वहाँ पे ना ऐसा था कि ना तुम बाहर की बात नहीं कर सकते, और माइक जो लगा रहता ना वो सब सुनता हो, बंदे रेडी रहते हैं कि सारा क्या बाहर की बात करें, हम इनको टोके। तो मैंने बेबी खाते कही, मैंने कि बेबी का कह रही हाँ, मैंने कि मैंने कही मैंने कही मैंने कि अब तो तेज बोल रहे, मैंने कि मैं तुझे कुछ कहूँगा, बोलियो मत। कह रही क्या? मैंने कि मैंने बादशाह से पूछी कि कौन जीता, तो उसने कही बेबी का नंबर एक। और वो बाद में गई होगी बेबी, बेबी का करी। मैंने कहा चुप। तो अटैच ही मत, ऐसे था कि ऐसे होता हर बार ऑफर ना कि टॉप थ्री में एक जना ये बोलते कि तुम में से एक जना 10 लाख रुपए लेके निकल जाओ। इस बार ऑफर ही ना, जब वो बॉक्स रखे थे ना, समझाए वही कमा के मैं तो खड़े रहूंगा ना। ऐसा होता है, लोग कहते हैं ना उठाओ भाई इनको, मैं समझ नहीं पाया उसमें क्या क्या कह गया भाई, इसमें कुछ पैसे वैसे कहेंगे ये वो उठाना नहीं, मैं तो पकड़े रहना है। उसके बाद बादशाह ने कही सबके लिए ना, उनके कानों में वो आता है क्या बोलना, सबके लिए कानों में आता है उनके लिए क्या बोलना है। तो बादशाह ने बोला कि बेबी का जी इज लीडिंग, कुछ टर्म बोला लीडिंग। तो मैंने बेबी का सर देखा, मैंने देखा बेबी का खुश होगी, मुझे तो पता ही था, और थोड़ी इमोशनल हो गई तो मुझे बुरा लगा। मैंने कि यार ये मैंने इसका दिल तोड़ दिया यार, कि इसे लगा ये नंबर वन पर, ये तो चार पे निकल जाएगी मुझे। ये भी मेरे को पता थी, ये भी मेरे को पता थी। और जो वो वाला हुआ धुएं वाला जिसमें फोन बूथ में, तो मैं खड़ा रह गया, मैं मुझे ऐसा लग रहा था जिसका दम पहले घुट जाएगा वो आउट हो जाएगा, मगर दम ही ना घुटन देना। ऐसे ही खड़ा सीधा, मेरे को लग रहा है कि जो दिख रहा है घुट जाएगा, मगर भाई इससे सबसे पहले ये दिखने लग गया। दो दिख नहीं रहे, ये तो जाने का भाई, ये जो दिख रहा है मनीषा की आवाज आ गई थी जब वो धुआ हुआ ना, तो आवाज आई किसी ने मनीषा पकड़े खींच दी। एक जना ये दिखने लगा था, मगर भाई पता नहीं क्या हो रहा है। बाहर आके मेरे को पता लगा काफी चीजें चेंज हो गई है लाइफ में। लाइफ पहले थोड़ी ऐसी थी, अब काफी ऐसे हो गई है। आलिया भट्ट का भी मैंने बयान सुना कि हमने आपका भी सुना, आलिया भट्ट का बयान आपने जो धुआं दिया। आलिया भट्ट को तो मैं अभी भी अपनाने को रेडी हूँ। मैंने भी दिया था सिग्नल अंदर जाके, ये अंदर था, मैं कहा भाई वो तेरे को ऐसे ऐसे कर रही है, ये सुन ही नहीं रहा मेरे का क्या बोलो क्या मतलब। तो नहीं ये क्या था, इसने मुझे बोला उसकी वहां पे ऐसे थी, तो इसने कहा आलिया भट्ट को ये कर देते हैं, तो मैं कहा वो तेरे को ऐसे कर रही है, इसने सुना नहीं मेरी बात, वो चला रही है कंडा सा यार काटने वाला। उसने पूजा भट्ट की स्टोरी डाली, वो तेरी तारीफ कर रही है। रणबीर कपूर यू डिजर्व बेटर, रणबीर कपूर यू डिजर्व बेटर, छोड़ दो यार आलिया को। हां मेरे लिए प्लीज। भाभी का वादे, भाभी का वादे फिर क्या हो भाई। आलिया भाभी, बाकी आलिया भट्ट को थोड़ा साइड करते हैं, और मेरी आम जो मेरी आर्मी चाहने वाली, मेरी आर्मी एलविश आर्मी, मुझे लग रहा था सिस्टम आर्मी का नाम से चल रहा होगा बार, बट बाहर इनने चला रखा भाई सबने एलविश आर्मी। तो मेरी आर्मी को भाई दिल से बहुत थैंक यू, मेरे पे वर्ड्स नहीं है, सही बताऊं जेन्युइनली मेरे पे वर्ड्स नहीं है कि इतना प्यार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और ऐसे ही शायद बरकरार रहे। भाई माता जी ने कमिटमेंट की है इस ट्रॉफी पे एलविश आर्मी नाम लिखवाएंगे, हाँ, ये कमिट कर माँ ने आज के व्लॉग में बोला था। अच्छा। ना, में, सुबह लाइव में बोला था एलविश आर्मी। अगर हम मेरा छोरा जीत गया तो ये ट्रॉफी
बिग बॉस जो भी लिखा होता उस पे विनर विनर भाई तो मैं लग रहा था ना मैं जीतूंगा हां मैं लग रहा था बाय डिफॉल्ट बाय बाय डिफॉल्ट बाय बड़ा ना उसी दिन बता दी जिता के लिखा देंगे बाय बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट भाई डे 1 पे यहीं तो खुद आगे चलेंगे वहीं खुद वालेंगे एलू शर्मा में भाई यहां करवा लो चाहे वहां करवा लो ट्रॉफी उन्हीं की है एलू शर्मा ये ऐसा होता है लिखवा के अंकल पोस्ट करेंगे आप अपने एलू शर्मा के नाम से ही रहेगा पापा लेके जा रहे हैं ट्रॉफी हां तो उसमें एलू शर्मा में लिखवा पांच दिन बाद गुड़गांव पहुंचेगा इतना तैयार मिलेगा एलविश आर्मी एलविश आर्मी की ट्रॉफी है और दोबारा दिल से धन्यवाद अभी सारे सोन जाएंगे भाई व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म ये जीत मैं थोड़ा हजम कर लूं और बाहर की जिंदगी थोड़ी सी जी लूं कि कैसा है बाहर का आसमान क्योंकि हमने तो देखा नहीं कभी अब सोने की जरूरत क्या है भाई हम पीछे तबे लगा मैं दूध वाद गाड़े भैंस के 5 बजे 6 बजे लिए भाई ठीक है गाइस फिर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और कीप लविंग कीप सपोर्टिंग और तो भाई साहब यही है बहुत ही अच्छा ये वीडियो बना के डाले हुए हैं बहुत ही मस्त है इनके फैंस के लिए इनके चाहने वाले के लिए क्योंकि इस ट्रॉफी पर यही नाम लिखवाना चाहते हैं एल्विश आर्मी तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जो लोग अपने फैंस को चाहते हैं उनको पसंद करते हैं वो यही करेंगे ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो बहुत ही इंटरटेनमेंट किए हुए हैं आप लोग इंटरटेनमेंट हुए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें शेयर करें चलिए मिलते हैं एक और अगले वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय।